देखिए, अभी डीके शिवकुमार राहुल गांधी से मिलने गए हुए हैं, क्योंकि उससे पहले सिद्धारमैया की मुलाकात हुई राहुल गांधी से, और मुलाकात के बाद जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज दिख रहा था सिद्धारमैया का, उससे ऐसा लग रहा था कि सिद्धारमैया को कह दिया गया है कि कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री आप होंगे। और कल कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक बेंगलुरु में होगी और बेंगलुरु में होने वाली विधायक दल की बैठक में सिद्धारमैया को अगला मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। लेकिन डीके शिवकुमार की अहमियत पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा है, और इसी बात को ध्यान में रखकर उन्हें फौरन सिद्धारमैया के बाद बुलाया गया राहुल गांधी के द्वारा। और राहुल गांधी से और डीके शिवकुमार की मुलाकात में इस बात पे तस्दीक होगी, इस बात पे मुहर लगेगी कि डीके शिवकुमार को आखिरकार पार्टी के अंदर क्या मिलता है, सरकार के अंदर क्या मिलता है, और पार्टी के अध्यक्ष वो बने रहेंगे, इस बात का भरोसा भी जताया जाएगा। साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ हैं, जो डीके शिवकुमार की पसंद के पोर्टफोलियोज़ हैं, उस पोर्टफोलियोज़ पे भी विचार किया जाएगा और कहा जाएगा कि डीके शिवकुमार जी, आपको ये पोर्टफोलियो डिप्टी सीएम के साथ दिया जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है जिस परिस्थिति में कांग्रेस की मजबूत सरकार जरूरी है कर्नाटका में, और विधायक की तादाद काफ़ी ज़्यादा है सिद्धारमैया के पक्ष में, और इसीलिए हम विधायक की भावना को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, विधायक के पसंद नापसंद को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए सिद्धारमैया को हमें मुख्यमंत्री बनाना हमारी मजबूरी है। भले ही पार्टी संगठन के अंदर आपकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण होगी, और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर इस बात पर सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए।